नीतीश कुमार बने जेडीयू के अध्यक्ष, ललन सिंह ने दिया इस्तीफा। जेडीयू की बैठक में ललन सिंह ने रखा नीतीश को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मोदी से पूछा सवाल, हर साल 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ, आर्थिक विकास का क्या हुआ, सभी को 15-15 लाख देने का क्या हुआ। मिजोरम सरकार का बड़ा फैसला, मुख्यमंत्री लाल दुहुमा ने शुक्रवार को एक्स पर पोस्ट कर कहा, सीबीआई की जांच से पहले नहीं लेनी होगी राज्य की मंजूरी। तमिलनाडु के मदुरई में एसिड फेंकने वाले को आखिरकार मिली 10 साल की सजा, आरोपी ने कॉलेज जा रही 2 लड़कियों पर फेंका था एसिड। मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अधिकारियों को ईमेल के जरिए विमान के अंदर बम होने की मिली थी धमकी, धमकी के बाद ही एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई गई। मोदी सरकार की बढ़ेगी परेशानी, एमएसपी समेत दूसरी मांगों पर संयुक्त किसान मोर्चा समेत 5 यूनियनों का हरियाणा में प्रदर्शन आज। रामलला के जलाभिषेक के लिए जानकी मंदिर से जल कलश रथ रवाना, आज जल पहुंचेगा अयोध्या। सीएम शिंदे की विश्व संकल्प अभियान की घोषणा, 6 जनवरी से करेंगे सभी 48 सीटों का दौरा। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल का जिम्मा पहली बार मिला एक महिला, नीना सिंह को। राजस्थान कैडर की 1989 बैच की आईपीएस ऑफिसर रह चुकी हैं नीना सिंह। देशभर में कोरोना के 797 नए केस, 5 की गई जान, एक्टिव केस 4000 के पार, केरल में 2500 से ज्यादा मरीज कोरोना की चपेट में। घने कोहरे की चपेट में दिल्ली सहित कई राज्य, कई फ्लाइट्स और ट्रेनें हुई लेट। भारत फिलीपींस में 9 सैनिक युद्धाभ्यास से चीन नाराज, कहा हमारे मामले में तीसरा देश दखल ना दे, फिलीपींस चीन क्षेत्र में घुसपैठ कर रहा है। पाकिस्तान में नए साल के जश्न पर पाबंदी, केयर टेकर पीएम अनावर उल हक बोले, हम फिलिस्तीनियों की मदद करते रहेंगे, जंग में वहां 9000 बच्चे भी मारे गए। रूस यूक्रेन जंग में घायल रूसी सैनिक को मुआवजे में मिली सब्जियां, रिपोर्ट में हुआ खुलासा, सरकार ने पैसों के बजाय गाजर प्याज भेजी। 24 फरवरी 2022 को शुरू हुई थी रूस और यूक्रेन के बीच जंग। कतर ने पूर्व भारतीय नौ सैनिकों की फांसी की सजा को कैद में बदला, कोर्ट में मौजूद भारतीय राजदूत विदेश मंत्रालय बोला, अपने नागरिकों की रक्षा करते रहेंगे। एफआईयू ने 9 विदेशी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म को कारण बताओ नोटिस किया जारी, यूआरएल को भी ब्लॉक करने की सिफारिश। जीवन बीमा कंपनियों का प्रीमियम 17% बढ़ा, आईआरडीआई ने जारी की वार्षिक रिपोर्ट। टीम इंडिया में सेंचुरियन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में स्लो ओवर रेट के लिए लगाया जुर्माना, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2 पॉइंट्स कटे, मैच फीस का 10% फाइन। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की आज 81वीं बर्थ एनिवर्सरी, मां के लिए बहू लाने वाली बात पर भड़के करण जौहर, ट्रोलर से कहा वो बच्चों की परवरिश में बिजी हैं, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं।